अपराध मामलों के लिए फॉरेंसिक विज्ञान में प्रशिक्षण व प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाओं में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए हरियाणा सरकार और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय ऊर्जा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता सहित कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हुआ था, चिंतन शुरू हुआ था, उस समय ये विषय हमारे सामने आया था। तो उस समय ही हमने ये तय किया था कि किस प्रकार से हम साइंटिफिक फॉरेंसिक साइंस साइंटिफिक लो यूनिवर्सिटी है जिसका हम कैसे पार्ट बन सकते हैं। उसी समय हमने जितनी भी चीजें की थी आगे तक डायलॉग भी हो रहा था। और अभी जब 100 डेज का जो प्रोग्राम आया उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी से बात करके क्योंकि होम सेक्रेटरी भी स्वामी है उसमें से इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया। और उसे जी एम व्यास जी जो वाइस चांसलर हैं हमारे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी उसके साथ मिलकर के हरियाणा भी मजबूती से इसके अंदर एक कदम आगे बढ़ा है। मैं आज इस अवसर पर आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ और आदरणीय मनोहर लाल जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक मजबूत कदम इस विषय के ऊपर उठा है जिसका कि लाभ हमारे हरियाणा को जैसे राज्य में छोटे राज्य में जहाँ भूमि का कीमत आसमान तोड़कर कई गुना आगे बढ़ा है। उस वक्त आपने 50 एकड़ भूमि दिया है, विजन का परिचायक है क्योंकि जो कैंपर्स बने वो आने वाले दिनों की सभी सुविधाओं के लिए इसके अंदर पर्याप्त आयोजन हो सकता है आज छोटा बनेगा परंतु इससे विस्तार का है। अभी आप वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर लाइब्रेरी भी बनेगी। बिहार के सीएम और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा सदस्य संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। पार्टी के नेता नीरज कुमार ने कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। पार्टी ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की अपनी मांग दोहराई, साथ ही कहा कि केंद्र विशेष पैकेज के ऑप्शन पर भी विचार कर सकता है। बीजेपी सहयोगी ने परीक्षा पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत कानून की मांग की। पार्टी सूत्रों ने कहा कि संजय झा बीजेपी से अच्छी डील हासिल करने और दोनों पार्टियों के बीच अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए काबिल हैं। दिल्ली में हुई बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर और देशभर के बाकी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।